प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारत देश लौट आए हैं। जर्मनी से मध्य प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों के लिए प्राप्त हुए हैं। कृषि, हेल्थ, सेमीकंडक्टर, शिक्षा, नई तकनीक और भारी उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। साथ ही अनेक क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। सीएम विदेश से 60,000 करोड़ के निवेश को लेकर एमपी आए हैं, लेकिन इस पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी माने तो प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, विदेश दौरे तो होते रहते हैं, सरकार निवेश पर श्वेत पत्र जारी करे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मध्य प्रदेश को भी विकास के नए आयाम तक पहुंचा ये प्रयास है। खासकर युवाओं, बेरोजगारों, गरीब, महिला, जो चारों आयाम है, चारों सेक्टर में हमारी सरकार अच्छे से काम करे और सभी को साथ लेकर के आगे बढ़े, ये संकल्प के साथ हमारी विदेश यात्रा थी। जेब में जिस प्रकार से फोटो आए, जेब में हाथ डाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के, तो लग रहा है कि आप लंदन में जाके वहाँ पर किस प्रकार से आप एक जनता के लिए कटोरे के रूप में भीख मांग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी जो कर्ज ले रहे हैं, प्रदेश की आम जनता को कर्ज में डुबो रहे, पिछले 20 साल के अंदर जितने निवेश के प्रस्ताव है उस पर सरकार ने क्या करा, कितने निवेश आए, सरकार अपना श्वेत पत्र लाए। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए विवेक पांडे मेरे सहयोगी सीधे भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए आज विदेश दौरे से लौट आए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन इस पूरे मसले ने सियासी पारे को भी हाई कर दिया है, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी 6 दिन की यात्रा के बाद मध्य प्रदेश वापस आ रहे हैं और शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को लेकर जानकारी देंगे कि आखिर जर्मनी और इंग्लैंड में कितने प्रस्तावों को लेकर मुख्यमंत्री ने एमओयू साइन किए और कौन कौन से इंडस्ट्री या खासतौर पर कौन कौन से सेक्टर में निवेश आने के लिए मुख्यमंत्री ने वहाँ पर बैठकें की हैं और इसी सभी मुद्दों को लेकर जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि इंग्लैंड और जर्मनी जाने से बेहतर ब्राज़ील और या फिर जाते तो वहां से बेहतर निवेश आता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां गए हैं तो कितना निवेश लेकर आएंगे और अभी तक बीजेपी की सरकार में कितना निवेश आया है, बीजेपी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितना निवेश हुआ है पिछले 20-22 सालों में, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार रही है और बीजेपी की तमाम सारे मुख्यमंत्री विदेश जाते रहे हैं, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट भी हुई है, तो कितना यहाँ पे उद्योग धरातल पर उतरा है, यह कांग्रेस की मांग है कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। बहरहाल शाम को मुख्यमंत्री जरूर इस बात को लेकर जानकारी देंगे जर्मनी और इंग्लैंड में कौन कौन से सेक्टर में, खासतौर पे मध्य प्रदेश में कहां कहां पे निवेश की संभावनाएं देखी गई हैं विदेश में, क्योंकि मुख्यमंत्री विदेश में रहते हुए उच्च शिक्षा के साथ साथ सेमीकंडक्टर और हैवी इंडस्ट्री को लेकर वहां पे उद्योगपतियों से चर्चा की है और करीब 60,000 से अधिक के प्रस्ताव तो सहमति उनको मिल चुकी है और मध्य प्रदेश में जब फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा तो वहां पे कौन कौन से बड़े उद्योगपति जो खासतौर पर मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, फॉरन से आने वाले उद्योगपति, FDI कितना आएगा मध्य प्रदेश में, इसको लेकर शाम को मुख्यमंत्री जरूर चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री की यही कोशिश है कि पहले रीजनल कॉन्क्लेव किया था इंडस्ट्रीज को लेकर, इसके अलावा स्टेट्स में गए थे वो और अब मध्य प्रदेश में 2025 में उनकी प्लानिंग है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लेकर आया जाए, ये मुख्यमंत्री कोशिश है। लेकिन विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र लेकर आना चाहिए कि आखिर इतने 20-22 सालों में कहां कहां पे उद्योग लगे। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले भी विदेश जाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ये खास तौर पर जर्मनी और इंग्लैंड को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर अपार संभावना है, हाई एजुकेटेड स्किल के साथ साथ। देखिए, सरकार की पूरी प्लानिंग ही यही अब देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है विदेश दौरे से ही लौटते मुख्यमंत्री के, देखने वाली बात होगी कि कितना सियासी पारा मध्य प्रदेश का और हाई होता है इससे।